हजारों फीट की ऊंचाई, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार हवा, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे का तापमान, पर्वतारोहियों की बिखरी हुई लाशें, ऑक्सीजन की इतनी कमी कि आदमी का दिमाग काम करना बंद कर दे। दिमाग बंद होने की वजह से इंसान को अपनी ही मौत के सपने दिखाई देने लगे। कुछ ऐसा ही होता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सफर। अक्सर हमें खबरों में पढ़ने को मिलता है कि फलाने शख्स ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सफर कितना खतरनाक होता है? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने से लेकर चढ़ाई करने के बाद वापस आने तक एक पर्वतारोही को हर वक्त मौत का सामना करना पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको माउंट एवरेस्ट के इसी चढ़ाई के सफर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती किसको नहीं लुभाती? ऊंची ऊंची चोटियां, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, यूं लगता है जैसे जन्नत धरती पर उतर आई हो। यही वजह है कि इन चोटियों को फतह करने का बहुत से लोगों को जुनून होता है, मगर पहाड़ उन लोगों के जुनून का भारी भरकम इम्तिहान भी लेते हैं और गलतियां होने पर सख्त सजा भी देते हैं, और कई बार तो ये सजा होती है सजाए मौत। अभी पिछले महीने की ही बात है जब भारतीय पर्वतारोहियों की एक टीम एवरेस्ट को फतह करने के लिए गई थी। कुछ ने दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने का गौरव भी हासिल किया, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं मनाई जा सकी क्योंकि खतरनाक पहाड़ से उतरते वक्त एक भारतीय सुभाष पाल की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता हो गए। वैसे पहला वाकया नहीं था जब एवरेस्ट ने किसी जुनूनी को मौत की सजा दी थी। एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों को मालूम है कि इसकी चढ़ाई के रास्ते में बिखरी पड़ी है लाशें, क्योंकि पहाड़ मौत की सजा देने के बाद इन लाशों को भी आसानी से नहीं छोड़ते। बरसों बरस ये मुर्दा इंसान बर्फीली दरारों और चट्टानों के बीच पड़ा रहता है। आंकड़े बताते हैं कि एवरेस्ट पर ऐसी 400 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं। बरसों से इन लाशों को ना तो कोई वहां से हटाने वाला पहुंचा है और ना ही कोई ढूंढने वाला, मगर इंसान का इस चोटी को जीतने का जुनून फिर भी कम नहीं हुआ। कई बार तो चढ़ाई करने वाले इन लाशों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने का सफर तय करते हैं। इतनी ऊंचाई से कोई लाश उठाकर लाना मुमकिन नहीं होता और बर्फीले माहौल में रहने की वजह से ये जल्दी से खत्म भी नहीं होती। तो ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की शुरुआत कैसे होती है और बीच में पर्वतारोहियों को आखिर किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर चढ़ना आसान हरगिज नहीं है। खतरनाक चढ़ाई, टेढ़े-मेढ़े रास्तों में रखी मुसीबतें और बदलता हवा का रुख पल भर में आपको मौत के घाट उतार सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए आप कभी भी किसी भी वक्त नहीं जा सकते, बल्कि इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और तो और, साल के कुछ ही वक्त ऐसे होते हैं जब आप इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए वहां पहुंच सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके शरीर का पूरी तरह से मेडिकल जांच किया जाता है कि आपके शरीर में कोई खराबी तो नहीं, आप किसी बीमारी के शिकार तो नहीं, आपका हृदय या फिर आपका ब्लड प्रेशर इस लायक है या फिर नहीं कि आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकें। सभी चीजों की जांच करने के बाद ही आपको इस चीज की अप्रूवल दी जाती है कि अब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हैं। रूट ऑफ माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के रूट की बात करें तो जानकारों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लगभग 18 रास्ते हैं, लेकिन इनमें से 2 ही ऐसे आते हैं जिनसे पर्वतारोहियों को छोड़ने की इजाजत दी जाती है, जिनमें से एक नेपाल की तरफ है, दूसरा चाइना की तरफ। लेकिन उसमें से भी 90 से 95% जो पर्वतारोही होते हैं वो नेपाल के रास्ते से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना सही समझते हैं। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहली बार फतह करने वाले तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी भी नेपाल के रास्ते से ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए थे। अधिकतर पर्वतारोही नेपाल के रास्ते से माउंट एवरेस्ट पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि इधर का मौसम चाइना की तरफ के मौसम से थोड़ा कम ठंडा होता है, और नेपाल के रास्ते में बहुत से नेपाली लोग ऐसे मिल जाते हैं जो पहाड़ी पर पर्वतारोहियों की सहायता करते हैं। बेस कैंप। दोस्तों, जब कोई पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की यात्रा को शुरू कर देता है तो कुछ वक्त तक तो वो पूरी ताजगी के साथ सफर करता है, लेकिन एक वक्त आता है जब उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका होता है और उसके शरीर को आराम की जरूरत पड़ती है। इसके लिए माउंट एवरेस्ट की चोटी तक के रास्ते में कोई बेस कैंप बने होते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के रास्ते में जो पहला बेस कैंप आता है उसकी ऊंचाई लगभग 17,500 फीट है। माउंट एवरेस्ट के इस ऊंचाई पर बेस कैंप एक अजीब और गरीब सी दुनिया की तरह दिखाई देती है। रंग बिरंगे तंबू और इसके अंदर जलती हुई लाइट, एक गजब का नजारा लगता है।
चढ़ाई के रास्ते में जो बेस कैंप बने होते हैं उसके अंदर खाने का स्टॉक, मेडिकल हेल्प और कम्युनिकेशन की चीजें होती है। अगर चढ़ाई के रास्ते में कोई पर्वतारोही चोटिल हो जाता है तो इन्हीं बेस कैंप में इनका इलाज किया जाता है, और अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो यहीं से खबरों को नीचे तक पहुंचाया जाता है। बेस कैंप में खाने से लेकर टॉयलेट तक हर एक चीज की व्यवस्था की जाती है। साल के अधिकतर वक्त में ये बेस कैंप पूरी तरह से वीरान पड़े होते हैं। सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए इन बेस कैंप को एक्टिवेट किया जाता है। खुम्भू आइसफॉल। जमीन से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद पर्वतारोहियों का सामना एक खतरनाक आइसफॉल से होता है जिसका नाम है खुम्भू आइसफॉल। दरअसल माउंट एवरेस्ट पर मौजूद एक ऐसी जगह है जहां बर्फ हमेशा मूवमेंट करता रहता है, यानी कि वहां मौजूद बर्फ हमेशा एक जगह से दूसरी जगह खिसकती रहती है। यही वजह है कि यहां पर बर्फ में कई चौड़ी चौड़ी दरारें बन जाती है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई पर्वतारोही बर्फ पर कदम रखता है तो वो नीचे घुस जाता है। इसलिए पर्वतारोहियों को इस जगह का ध्यान रखना पड़ता है और एक दूसरे के साथ रस्सी बांधकर आगे बढ़ना पड़ता है। दरारों को पार करने के लिए पर्वतारोही अपने साथ एक सीढ़ी लेकर जाते हैं ताकि इस तरह की दरारों को आसानी से पार किया जा सके। वैली ऑफ साइलेंस। लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पूरी करने के बाद पर्वतारोही जिस जगह पर पहुंचते हैं उसका नाम रखा गया है वैली ऑफ साइलेंस। इस जगह पर हवा बहुत कम हो जाती है, यही वजह है कि वहां पर आंधी तूफान बिल्कुल भी नहीं आते। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया रहता है। वहां पर कुछ पर्वतारोही अपना कैंप भी बना लेते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होने के बावजूद भी पर्वतारोहियों को वहां पर एक अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई देती है, और वो होती है बर्फ के गलने की आवाज। लॉट्स ऑफ वॉल। चढ़ाई के रास्ते में लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई खत्म करने के बाद पर्वतारोहियों के सामने एक बहुत बड़ा दीवार आ जाता है, और यही दीवार पर्वतारोहियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती की तरह होता है। कई पर्वतारोहियों को सिर्फ इस दीवार को पार करने में ही कई दिन लग जाते हैं। ये दीवार बिल्कुल खड़ी दीवार की तरह दिखाई देती है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जैसे इस दीवार को पार करते हैं पर्वतारोहियों के लिए एक आखिरी और बड़ा बेस कैंप मिलता है जहां पर उनके लिए खाने से लेकर मेडिकल हेल्प हर तरह की व्यवस्था पहले से ही की गई होती है। इतनी अधिक ऊंचाई पर आने के बाद पर्वतारोहियों को कोई भी ठोस खाना नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर ये ठोस खाना खाएंगे तो उनके लिए पचा पाना संभव नहीं होगा। इसलिए इन्हें सिर्फ पीने वाली चीजें ही दी जाती है। ऑक्सीजन की भारी कमी की वजह से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई पर्वतारोहियों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और तो और उनके दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगते हैं कि जैसे उनकी मौत हो गई है। डेथ जोन। अब पर्वतारोहियों के सामने महज कुछ हजार फीट की ऊंचाई और बची होती है, लेकिन इसी छोटे से सफर को डेथ जोन के नाम से जाना जाता है क्योंकि पर्वतारोहियों को यहाँ पर कई सारी लाशें बिखरी पड़ी मिलती हैं। ये लाशें उन्हीं लोगों की होती है जो अपने जुनून को ठंडा करने के लिए माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए निकले थे और कभी वापस नहीं लौट सके। इतनी ऊंचाई पर उनकी मौत होने की वजह से कोई पर्वतारोही उन्हें लेकर वापस नीचे भी नहीं आ पाता, मजबूरन उन्हें ऊंचाई पर ही छोड़ना पड़ता है। और वहां पर इतनी ठंड होने की वजह से ना तो उनका शरीर गल पाता है ना ही खत्म हो पाता है। कहा जाता है कि इस वक्त माउंट एवरेस्ट के ऊपर 500 से ज्यादा लाशें बिखरी पड़ी हैं। पर्वतारोही उन्हीं लाशों के बीच से होकर या फिर उनके ऊपर से होते हुए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ चोटी तक पहुंचते ही बात खत्म नहीं होती, क्योंकि पर्वतारोहियों को अब उन्हीं खतरनाक रास्तों से होकर वापस भी तो आना है। अब तक तो कई ऐसे मामले हो चुके हैं जब चढ़ाई से वापस आते वक्त किसी पर्वतारोही की जान चली गई हो। अगर आप पर्वतारोहियों के द्वारा होने वाली मौतों की कहानी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।